बच्चों मैं तो नॉनवेज नहीं खाता। पर किसने कहा ये नॉनवेज है? ये तो वेजले का वेज मीट है। चलो जी सबका एक बार सपने दी ये इनसे बनवा दिए बढ़िया बात हमारे प्रधान जी तो रह गए हमारे देश के प्रधान गोला मंगवाओ बच्चों भैया बहुत सारे गोला हैं आप भारतीय जनता पार्टी से कर्मठ ईमानदार जुझारू नेता निगम पार्षद सुमलता नागर ने आज अपने वार्ड का दौरा किया, साफ सफाई भी की और नगर निगम स्कूल में वाटर हार्वेस्टिंग का भी शुभारंभ किया। मैम आज निगम स्कूल के अंदर अपने ही वार्ड में क्या किस चीज़ का उद्घाटन कराया आपने? आज हमने यहाँ पे एक तो वाटर हार्वेस्टिंग का और एक ही मेंटेनेंस का कार्य करवाया है। इसमें छज्जे वगैरह जो थे टूटे हुए सब ये यहाँ से पूरा सारा मेंटेनेंस करवाया है। तो लगभग टोटल बजट इसका दोनों मिला के 6 लाख। काम शुरू कब से और कब तक? काम तो काफी हो चुका है जी, थोड़ा बहुत है बाकी तो सब हो चुका है। मैम ये जो कार्य किया गया है निगम पार्षद जी के द्वारा क्या कहना है आपका? नहीं ऐसा है, हमें जो जो परेशानी आई, मैंने भी एक्चुअली अभी लास्ट जुलाई में ही ज्वाइन किया, उसके बाद से मैंने देखा छज्जे वगैरह टूटने शुरू हो रहे हैं, तो मैंने मैडम के पास कंप्लेंट, ये लोग राउंड भी लेते रहते हैं हमारे पास जो हमारी परेशानियाँ हैं पूछते रहते हैं हमसे, तो हमने इन्हें बताया तो फटाफट जैसे भी था इन्होंने कि हम आपका काम शुरू कराएंगे। ये दोनों तरफ के छज्जे टूट रहे थे हमारे, वो सारे ठीक कराए, टॉयलेट ब्लॉक्स हमारे ठीक कराए हैं, यहाँ फर्श ऊँचा नीचा ये ठीक कराया है, इसमें गेट नहीं था, मतलब ये है कि हमारे टच में रहते हैं और जो हमारी परेशानियाँ होती हैं हमसे पहले से पहले पूछते हैं। कोई और मुख्य रूप से समस्या जो दिख नहीं अभी इस समय में कोई इसमें नहीं है समस्या, और बाकी नागर जी मैडम साथ हैं, अगर हमें समस्या तो हमें इनके पास जाना ही है और हमें कभी निराश नहीं होना पड़ा इनके साथ। बिल्कुल दिवे भाई क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे क्षेत्र में लगातार विकास का कार्य है क्योंकि हमारे पार्षद सुमलता नागर जी है, लगातार हो रहा है। अभी आपने देखा स्कूल के अंदर किस तरीके से बरसात के पानी को संरक्षित रह सके, हार्वेस्टिंग का सारा काम किया है, मेंटेनेंस का काम किया है, पीछे पानी की टंकी है। मुझे मानता हूँ कि क्योंकि उस वर्ग के बच्चे या नगर निगम के स्कूल में पढ़ता है इसका पूरा ध्यान, तो नगर निगम मिड डे मील वर्दी जूते जुराब सब मुहैया करा रहा है और क्षेत्र की जनता संतुष्ट है भाजपा पार्षद से जो काम लगातार चल रहे हैं। दिवे भाई क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन हो रहा है ऐसे में निगम स्कूलों की भी बात करें तो स्मार्ट क्लासेस लगनी चाहिए या नहीं? देखिए स्मार्ट क्लासेस हमने स्कूल में मॉडल स्कूल भी बनाए हैं नगर निगम के, रोहतास नगर ईस्ट में भी, और नगर निगम के स्कूलों में पहले से और ज़्यादा सुधार आया है, बच्चे भी बढ़ रहे हैं,
क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल की जो लूट है लगातार और उस पर दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार रोक नहीं लगा पा रही, अंकुश नहीं लगा पा रही, तो मैं मानता हूँ कि सरकारी स्कूलों में जो नगर निगम के स्कूल हैं उनमें बच्चे लगातार बढ़ रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था भी अच्छी है। ज़रूरत दिख रही है स्मार्ट क्लासेस की निगम के अंदर लगातार, जैसे जो शिक्षा व्यवस्था नई से नई होनी चाहिए, होनी भी चाहिए और उसकी ओर नगर निगम अग्रसर है। क्या कहना चाहेंगे आज के शुभारम्भ? आज का जो शुभारम्भ हुआ है, जो नगर निगम के स्कूल हैं इनको हमारी पार्टी सत्ता में है, नगर निगम इनको स्कूलों को ऐसा बनाना चाहता है जो प्राइवेट स्कूल हैं, जिससे आजकल क्या होता है सभी गार्जियन चाहते हैं प्राइवेट में दाखिला कराएं, प्राइवेट में दाखिला ना करा के नगर निगम के स्कूल को इतना अच्छा बनाया जा रहा है जिससे अधिक से अधिक बच्चों को यहाँ सुविधा मिल सके, उनकी पढ़ाई अच्छे से हो सके, इनका मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है, तो ऐसा स्कूलों को नवनिर्माण इनको किया जा रहा है जिससे अच्छी से शिक्षा ले सकें और हमारे देश के बच्चे जो हैं वो भविष्य हैं, तो उनका उनको उज्जवल अच्छी शिक्षा मिल सके। वही आपने लोगों ने 6 लाख रुपए का उद्घाटन करा है, कब से काम, कब तक पूरा होने? ये कार्य काफ़ी दिन से चल रहा है, काफ़ी हद तक काम हो चुका है, जो काम बचा है वो कुछ दिन में हो जाएगा पूरा। वाटर हार्वेस्टिंग का भी किया है और अभी देख रहे हैं साथ में यूरिनल है, यूरिनल भी जो मार्केट की समस्या थी पेशाब गिर गई, कि हमारे मोदी जी का जो लक्ष्य है स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत की सफाई रहे, कोई खुले में शौच ना करें, यूरिनल ना करें खुले में, उसके लिए भी 2.5 लाख के बजट से ये यूरिनल का भी उद्घाटन प्रावधान हो चुका है। हाँ राजेश जी क्या कहना चाहेंगे, साफ नियत सही विकास हो रहा है? सही विकास पिछले 1.25 साल से जब से हमारी पार्षदा सुमलता जी इस क्षेत्र से जीत के आई हैं, निरंतर विकास की ओर कार्य हो रहे हैं, जहाँ जहाँ भी जो भी समस्या उनके उसमें आती है उसका तुरंत निर्माण हो रहा है और विकास कार्य ऐसे ही बढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। निगम पार्षद जी को जो मेहनत और लगन है मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ, निरंतर क्षेत्र विकास के कार्यों में लगी हुई हैं और इनकी मेहनत को मैं सलाम करता हूँ और आशा करता हूँ आगे से भी कार्य और बढ़ते रहेंगे। बाबू जी आप क्या कहना चाहेंगे, सही काम हो रहा है? देखो जी जब से हमारी पार्षद आई हैं कुशन प्रता जी, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, फ़ोन पर काम हो जाते हैं, ऐसे ही जैसे जयसवाल के ज़माने में हुआ करता था उसी तरीके से हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो भी क्षेत्र की समस्या है। कुल मिला के अतीत याद आ गया, अतीत याद आ गया और मतलब बढ़िया काम चल रहा है, अतीत याद आ गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करने में विश्वास रखते हैं, यही कारण है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत रही है और विकास कार्य कर रहे हैं, उसी का परिणाम है ये। मनीष जी आप युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का काम? मैं इस पार्टी क्या नया सुझाव देना चाहेंगे? मैं इस पार्टी से बहुत अल्पायु में जुड़ गया था और आज के डेट में जो मोदी जी का जो विजन है वो मुझ तक एक सामान्य कार्यकर्ता तक पहुंचा हुआ है और हमारे जो क्षेत्र में जो टीम है वो सब मिलके काम कर रही है, चाहे उसमें दिव्य जी का योगदान भी है, नागर जी का भी है और सुमन लता जी के आने के बाद और उसको तेजी मिली है, और चूंकि अगले साल चुनाव भी हैं तो हमारी जो टीम है वो एकजुट होकर काम करेगी और अगले साल फिर हम केंद्र में सत्ता आएगी और उसका हमें पूरा सहयोग मिलेगा। पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास है क्योंकि मोदी जी की जो नीति है वो खाओ खिलाओ की नहीं है, वो विकास की है और विकास पे हमारी पार्टी काम कर रही है और करती आई है और करती रहेगी।